इंडियन डिफेंस फोर्सेज में एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। दरअसल कई सालों से टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर काफी डिस्कशन हुआ है, पर कल अग्निपथ स्कीम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसकी डिटेल्स डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सर्विस चीफ द्वारा मीडिया के साथ प्रेस रिलीज में शेयर की गई है। और आज की वीडियो में हम इस अग्निपथ स्कीम से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अग्निपथ दरअसल एक पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है, जिसके थ्रू एयरमैन, सेलर्स और सोल्जर्स को रिस्पेक्टिव सर्विस में एनरोल किया जाएगा। इस साल इस स्कीम के थ्रू 46,000 अग्निवीर्स को इंडियन डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा। इस एनरोलमेंट का इनिशियल टेन्योर 4 इयर्स का होगा, जिसके बाद बस 25% अग्निवीर्स को सर्विस में रिटेन किया जाएगा, वही बाकी के अग्निवीर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। सर्विस में परमानेंटली अब्सॉर्ब करने का प्रोसीजर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होगा। सभी अग्निवीर्स को रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट के अंडर में ही रिक्रूट किया जाएगा और ये सभी तरह के अलाउंसेस जैसे रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रेवल समेत सभी अलाउंसेस के लिए एलिजिबल होंगे एज पर देयर डिप्लॉयमेंट। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट की एज 17.5 to 21 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ऑफिशियल्स ने ये बात साफ कर दी है कि अग्निपथ स्कीम के अंडर होने वाले रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह का मेडिकल रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। तीनों फोर्सेस अपने एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट करेगी। अगर अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस अग्निवीर के लिए ऑफर किए गए हैं। फर्स्ट ईयर सैलरी पैकेज अराउंड 4.76 लाख रुपीज का होगा, जो फोर्थ ईयर तक अपग्रेड होकर रुपीज 6.92 लाख का हो जाएगा। इसके अलावा सभी अग्निवीर को रुपीज 48 लाख का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा, अलॉन्ग विद एडिशनल एक्स ग्रेशिया ऑफ रुपीज 44 लाख फॉर डेथ और 100% डिसेबिलिटी। सिमिलरली 75% या 50% डिसेबिलिटी के केस में रिस्पेक्टिवली रुपीज 25 और 15 लाख का वन टाइम एक्स ग्रेशिया प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर अग्निवीर को मिलने वाले पोस्ट रिलीज बेनिफिट्स की बात करें तो सभी को 11.71 लाख रुपीज का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटीज में इन सभी को दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में एक अपर एज होगा, एज दे विल गेट अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। रिलीज के बाद अगर कोई अग्निवीर अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बैंक से आसानी से लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद से सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। आपकी इस स्कीम को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।